हम लोग आज स्टडी करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का ओरिजिन एंड उसके इवोल्यूशंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन देखेंगे। तो ह्यूमन का फाइलम है कोर्डाटा, कोर्डाटा फाइलम से बिलोंग करता है ह्यूमन या मैन इसमें। तो क्लास हो गया मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स एंड फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। तो हम लोग ह्यूमंस का होमो सेपियंस भी बोलते हैं। तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। तो हम लोग अब और तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशंस हुआ है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रोपिलियोपिथिकस। प्रोपिलियोपिथिकस 30 to 35 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले एराउज हुआ था, सबसे पहले आया था प्रोपिलियोपिथिकस। उसके बाद फिर सेकेंड में प्रोपिलियोपिथिकस के पास एजेप्टोपिथिकस, एजेप्टोपिथिकस के बाद फिर प्रोकॉन्सोल। तो जो प्रोकॉन्सोल है वॉक ऑन द फोर लेग कंसिडर्ड कॉम मन एंसिस्टर ऑफ मैन एंड ऐप। जो प्रोकॉन्सोल है वो फोर लेग पर मतलब कि चल सकता है, वॉक कर सकता है। तो प्रोकॉन्सोल यहाँ पर मैन एंड ऐप दोनों का कॉमन एंसिस्टर है। तो इसके बाद प्रोकॉन्सोल से फिर डिवाइडेड हो जाता है कॉमन एंसिस्टर है तो ड्रायोपिथिकस एंड रैमपिथिकस। तो यहाँ पर ड्रायोपिथिकस मोर लाइक ऐप एंड रैमपेथिकस यहाँ पर मोर लाइक मैन, मैन जैसा ज़्यादा रैमपेथिकस होगा एंड ड्रायोपिथिकस मोर लाइक ऐप, ऐप के जैसा होगा। फिर ड्रायोपिथिकस एंड रैमपेथिकस के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस डेवलप हुआ। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आया? 2 मिलियन ईयर एगो, लाइफ इन अफ्रीका ग्रासलैंड एंड दे हंट विथ स्टोन वेपन्स बट इसेंशियली एट फ्रूट। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो सबसे पहले 2 मिलियन ईयर एगो अफ्रीका में अफ्रीका ग्रासलैंड में यहाँ पर एराउज हुआ और हंटिंग विथ स्टोन, स्टोन के द्वारा वो लोग हंटिंग करते थे। बट ए इट इसेंशियली फ्रूट, बट वो ज़्यादा लेकिन वो फल खाते थे। फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट, ऑस्ट्रेलोपिथिकस फर्स्ट मैन था जो दो पैरों पर खड़ा हो सकता था, इरेक्ट सीधे खड़े हो सकता था। बाई पेडल लोकोमोशन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस बाई पेडल लोकोमोशंस शो करते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके आगे पढ़ेंगे। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट ड्रायोपिथिकस एंड रैमपिथिकस वाज एग्जिस्टिंग। अभी से 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट ड्रायोपिथिकस एंड रैमपेथिकस एग्जिस्ट करते थे, रहते थे। दे बेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। ड्रायोपिथिकस एंड रैमपेथिकस उन पर गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसा हेयर था और वो उसी के जैसा चलते थे। फ्यू फॉसिल्स मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन यूथोपिया एंड तंजानिया। यूथोपिया एंड तंजानिया में कुछ फॉसिल्स मिले हैं बोन के, मतलब खोजे गए हैं। 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉक अपराइट। 3 से 4 मिलियन ईयर एगो जो प्राइमेट्स थे तो वो ईस्टर्न अफ्रीका में मतलब रहते थे, वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका बट नॉट वो बट लेकिन उनका हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो अपराइट मतलब सीधे चलते थे। तो यहाँ पर हो गया सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में। तो अब आगे तो हम लोग अब पढ़ेंगे होमो हेलिबस। तो होमो हेलिबस फर्स्ट ह्यूमन है होमो हेलिबस एंड इसका क्रेनियम कैपेसिटी सीसी से, क्रेनियम कैपेसिटी जो कि ब्रेन को साइज को डिटरमाइन करता है, तो इसका सीसी है 650 से 800 सीसी।
नॉट ईट मीट एंड होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे। फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा 1891। होमो हैबिलिस का जो फॉसिल्स है वो डिस्कवर किया गया 1891 में जावा में। एंड सेकेंड है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, होमो इरेक्टस अभी से 1.5 मिलियन ईयर एगो डायरेक्ट एंसेस्टर पाए जाते थे। तो ये डायरेक्ट एंसेस्टर है होमो सेपियंस के डायरेक्ट एंसेस्टर। और क्वेश्चन आया कि होमो सेपियंस का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, तो हम लोग होमो इरेक्टस टिक करेंगे। इसका क्रेनियम कैपेसिटी 908 मीट, होमो इरेक्टस मीट खाते थे। एंड थर्ड है नियंडरथल मैन। इसका क्रेनियम कैपेसिटी 1400 cc एंड लाइव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 से 40,000 ईयर बैक। ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे 1,00,000 से 40,000 साल पहले तक। दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेथ। कोई भी जब आदमी जब डाई मर जाता था तो वो लोग उसको छिपा करके या प्रोटेक्ट करके रखते थे या दफन कर देते थे। फर्स्ट मैन बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल। नियंडरथल्स मैन फर्स्ट मैन थे जो बिलीव करते थे कि आत्मा कभी नहीं मरता है। एंड यहाँ पर फोर्थ देखेंगे क्रोमैग्नॉन मैन। क्रोमैग्नॉन मैन यूज डोमेस्टिकेशन डॉग वो लोग पालते थे। दे पेंटेड ब्यूटीफुल केव वॉल्स वो लोग पेंटिंग करते थे। एंड इसका क्रेनियम कैपेसिटी सबसे ज़्यादा था 1650 cc क्रेनियम कैपेसिटी डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। हम लोग क्रोमैग्नॉन को डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर जावा, तो जावा फर्स्ट यूज फायर का सबसे पहले यूज जावा मतलब जावा मैन करते थे। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे होमो सेपियंस। यहाँ पर होमो सेपियंस में होमो सेपियंस एराइज इन अफ्रीका। सबसे पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में एराइज हुए। एंड ड्यूरिंग आइस एज कब हुए, आइस एज के दौरान हुए बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर एगो। अभी से 75,000 से 10,000 ईयर एगो होमो सेपियंस एराइज हुए अफ्रीका में आइस एज के दौरान। मॉडर्न मैन होमो सेपियंस एराइज मतलब आइस एज जो माना गया है 75,000 से 10,000 पहले, तो उसी टाइम में होमो सेपियंस मतलब आए। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आया। एंड एग्रीकल्चर खेती ये सब 10,000 साल पहले आया है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट, एंड एग्रीकल्चर के बाद ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पर एक नोट में दिया हुआ है कि वन सच केव पेंटिंग बाई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन सीन एट, हम लोग पेंटिंग देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक मैंस का, भीमबाटिका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम लोग भीमबाटिका रॉक शेल्टर देख सकते हैं जो कि प्री हिस्टोरिक मैन के पेंटिंग है जो कि 18,000 साल पहले मतलब आया था। तो इसी के साथ एक छोटा सा और टॉपिक है तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है तो ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी। द स्कल ऑफ बेबी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले मॉडर्न मैन का है, फिर सेकेंड में बेबी चिंपांजी एंड थर्ड में है एडल्ट चिंपांजी। तो हम ये तीनों डायग्राम में देख सकते हैं कि द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट मैन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेबी चिंपांजी है वो ज़्यादा मॉडर्न मैन
स्कल से मैच करता है एज कंपेयर टू एडल्ट चिंपांजी। तो बस यही इस डायग्राम में दिया हुआ है, और इसी के साथ हमारा ह्यूमन इवोल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इसके पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।